हेलो एवरीवन, हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था अबाउट आई। हमने देखा था कि आई जो है वो कैसे फंक्शन करता है, और हमने उसके स्ट्रक्चर्स देखे थे, है ना। उसके अंदर क्या क्या एनाटॉमी होती है, उसकी उसमें कौन कौन से सेल होते हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में ये देखा था। आज पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो रेटिना होती है, इस लेयर को हमने क्या बोला था, ट्यूनिका न्यूक्लियस नर्वोसा, है ना, यही बोला था हमने इसको, ट्यूनिका नर्वोसा। और मैंने आपको कुछ लेयर्स बताए थे आई के, वो कौन कौन से लेयर्स थे। तो मैंने बोला था कि लेयर्स ऑफ आई थे, नंबर वन जो उसकी फाइब्रस लेयर है आई को प्रोटेक्ट करने के लिए, कौन सी फाइब्रस लेयर। दूसरी जो उसकी वेस्क्यूलर लेयर है, वेस्क्यूलर लेयर मतलब जहाँ पे ब्लड सप्लाई है, ठीक है, उसको हमने बोला वेस्क्यूलर लेयर। और जो थर्ड लेयर है ना, वो है हमारी रेटिना या ट्यूनिका नर्वोसा, जिसको हमने बोला ट्यूनिका नर्वोसा, या इसको हम बोलते हैं हमारी रेटिना। इसी लेयर के पार्ट क्या क्या थे, आयरिस, कोरोइड और आयरिस, कोरोइड और हमारा सीलियरी बॉडी, है ना, सीलियरी बॉडी। फिर हमने बोला जो फाइब्रस लेयर है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा, अब मैंने जो बोला ट्यूनिका नर्वोसा, ये जो हमारी ट्यूनिका नर्वोसा थी, इट इज़ फर्दर मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स, जो उसमें सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। एक हमने बोला था वो लेयर जिसमें हमारे पूरे फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, है ना, हमने क्या बोला, जिसमें पूरे फोटो रिसेप्टर यानी हमने उसको बोला फोटोरिसेप्टर सेल लेयर। सेकेंड जो हमारी लेयर है उसको हमने बोला बाइपोलर न्यूरॉन लेयर। और जो हमारी थर्ड लेयर है उसको हमने बोला गैंग्लियन लेयर। ये गैंग्लियन लेयर जो है, यही हमारी आगे जाके क्या बनाती है, ऑप्टिक नर्व, क्या बनाती है, इट फॉर्म्स ऑप्टिक नर्व। तो हमने पूरा लेयर ऑफ आईज देख लिए थे हमारे। आज हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ विजन क्या होता है ना, ये फोटोरिसेप्टर सेल्स कैसे काम करते हैं, और फर्दर पूरी फंक्शनिंग ऑफ विजन कैसे होती है, ठीक है। तो आज हम वही देखेंगे कि हमें दिखाई कैसे देता है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस लेयर के बारे में जिसको हम बोल रहे हैं फोटोरिसेप्टर सेल लेयर, जिसे हमने बोला फोटोरिसेप्टर सेल लेयर। तो ये होता क्या है फोटोरिसेप्टर सेल, देखिए हमारी आई में एक है स्कोटोपिक विजन, मतलब जो हमें रात में देखने के लिए मदद करता है, और दूसरा है फोटोट्रॉपिक विजन, जो हमें दिन में देखने के लिए वो करता है, अलाउ करता है। तो इसमें अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ सेल्स हैं जो हमें नाइट विजन को हमारे प्रॉपर रखने में काम आते हैं, कुछ सेल्स हैं जो हमारे डे विजन को मतलब जो हमारे फोटोट्रॉपिक विजन में हेल्प करते हैं। तो मैंने बोला कि जो फोटो अब वो जो सेल्स हैं जो इस फंक्शनिंग के लिए हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे
फोटोरिसेप्टर सेल्स। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते क्या हैं? तो हमने बोला कि जो हमारे विजन में हेल्प करते हैं, जो हमारे रेटिना में सबसे पहली लेयर है सेल की, उसको हमने बोला फोटो रिसेप्टर सेल लेयर्स। तो हमने बोला वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है रॉड यानी रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। फिर मैंने बोला जो रॉड्स हैं दे आर सेंसिटिव टू डल लाइट या डिम लाइट, ठीक है। तो हमारे जो रॉड्स हैं दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। वहीं जहां हमारे कोन्स हैं दे आर सेंसिटिव टू कलर और ब्राइट लाइट। राइट। फिर मैंने बोला ये जो रॉड्स हैं दे आर 120 मिलियन, और जो कोन्स हैं दे आर जस्ट हाफ ऑफ इट, और बोले बहुत कम होते हैं, दीज आर अराउंड 6 मिलियन इन आर आई, और जो रॉड्स हैं दे आर अराउंड 10, ठीक है। फिर मैंने थर्ड पॉइंट बोला कि इसका जो विजन है वो कौन सा है, स्कोटोपिक विजन, या जो हमें रात में देखने में हेल्प करता है। और जो कोन्स हैं दे हेल्प्स इन फोटोटॉपिक विजन, कौन सा विजन, फोटोटॉपिक विजन। राइट। अब देखिए ये जो वो कह रहा है, मैंने बोला कि फोटो रिसेप्टर सेल लेयर्स है, उसमें दो टाइप्स के सेल प्रेजेंट हैं, एक है रॉड्स और दूसरा है कोन्स, ठीक है। तो रॉड्स मतलब इनका स्ट्रक्चर जो है वो मतलब रॉड लाइक होता है बेसिकली, इसलिए इनको रॉड्स बोला। और ये हमारी बॉडी में कितने, मतलब हमारी ह्यूमन आई में कितने प्रेजेंट है, 120 मिलियन, ओके। फिर मैंने बोला कि बिकॉज ऑफ रॉड वी सेल्स, ठीक है, सेल्स हैं, तो रॉड्स की वजह से वी कैन सी इन डल लाइट, और ये किसके लिए, इसीलिए किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, टूवर्ड्स डल लाइट। उसी तरीके से जो हमारे कोन्स हैं दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर, मतलब अभी अगर हम कोई कलर देख पा रहे हैं दैट इज़ ड्यू टू आर कोन्स, कोई भी लाइट के मतलब अगर पूरे रूम में लाइट है और अगर हम देख पा रहे हैं तो दैट इज़ ड्यू टू आर कोन्स, ठीक है। फिर मैंने बोला हाँ, तो ये हमारे नाइट विजन में हेल्प करते हैं कौन से, रॉड, और जो हमारे कोन्स हैं दे हेल्प अस इन फोटोटॉपिक या दिन में देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ विजन, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ विजन अगर हम देखें, जो हमारा डार्क और डिम लाइट में है उस समय हम कैसे अकोमोडेट कर पाते हैं अपनी आईज को, और एडजस्टमेंट जो है नियर और फार का विजन है उसमें कैसे हम हमारी आई वर्क करती हैं। मैंने बताया था कि मसल्स होती हैं हमारी आई में, ठीक है, सीलियरी मसल्स होती हैं, और जो हमारा प्यूपिल होता है वो डायलेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, ठीक है। तो वो सब प्रोसेस जो है ना वो हम अब पढ़ेंगे, अब इन दिस मैकेनिज्म ऑफ विजन, ओके। तो और कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, चलिए, मतलब ये जो भी हो रहा है मैकेनिज्म ऑफ विजन वो ड्यू टू दीज टू हो रहा है। और हमारी जो मसल्स हैं, मतलब हमने बोला कि विजन का जो मैकेनिज्म है या हम देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं,
एक तो वो सेल्स जो हमें हेल्प कर रहे हैं विजन में, और दूसरा हमारी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारी कौन कौन सी मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स, सीलियरी बॉडी ना, सीलियरी बॉडी, सीलियरी मसल का ही तो वो पार्ट है, और प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? एक गैप है, यही पढ़ा था हमने। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने बोला कि हमारे विजन में जो जो चीज़ें हेल्प करती हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हाउ दे डू देयर वर्क, यानी उनका मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो सीधी बात है, अगर हम कोई चीज़ देख पा रहे हैं तो मैकेनिज्म कैसे होगा कि हम अंधेरे में कैसे देख पा रहे हैं, है ना, डिम लाइट में कैसे देख पा रहे हैं, या नियर ऑब्जेक्ट टू फार ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखें तो होता क्या है, ये जो रॉड्स एंड कोन्स हैं इनमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसका फोटो पिगमेंट जो है रॉड का, वो क्या है, क्या बोला हमने, फोटो पिगमेंट। क्या बोला? फोटो पिगमेंट, इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसका फोटो पिगमेंट है, उसका नाम क्या है, रोडोप्सिन। क्या नाम है? रोडोप्सिन। ओके, और इसके फोटो पिगमेंट का नाम है आयोडोप्सिन। क्या नाम है? आयोडोप्सिन। आई बस समझ। अब मैंने ये चीज़ क्यों बताई, क्योंकि इसी पिगमेंट के टूटने के कारण, ठीक है, ये पिगमेंट है, ये जब ब्रेक होगा तभी हमारा जो विजन है वो प्रॉपर हो पाएगा, समझे। मतलब हमारी जो परमेबिलिटी ऑफ फोटोसेप्टिव सेल है वो इसी पिगमेंट की वजह से होती है। तो चलिए देखते हैं होता क्या है।
अब देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी अगर ये रेटिना है, ठीक है, इधर पे एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, और ये हमारी यहाँ से, अगर रेटिना यहाँ से कह रही हो ना, तो यहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, तो हमने बोला कि जो हमारी रेटिना है वो ऐसे इसको कवर करी हुई है, ठीक है, यहाँ से पूरे स्टिमुलाई आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है, व्हेन द विजुअल लाइट, जो हमारी सिंपल होता क्या है, हमारा जो लाइट है मतलब सामने से रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर हमारी आँख में आ रहा है ना, आई में आ रहा है, तो फिर हमने बोला कि क्या हो रहा है कि थ्रू प्यूपल जितना भी एडजस्टमेंट हो रहा है, उसके बाद क्या होता है, विजुअल लाइट जो है वो हमारी रेटिना के पास पहुंचता है, ठीक है, क्या होता है, रेटिना के पास पहुंचता है थ्रू द लेंस, लेंस से हमारा विजुअल लाइट कहाँ पहुंचा, रेटिना में, रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हुई। तो हो क्या रहा है, वहाँ पे फोटोरिसेप्टर सेल्स में हमारी विजुअल लाइट फॉल हुई, ठीक है। तो हमने बोला कि फोटोरिसेप्टर सेल आर द फर्स्ट लेयर, तो यहाँ पे समझिए फोटोरिसेप्टर सेल है रेटिना की, ठीक है, यहाँ पे रॉड्स कोन्स ऐसे अरेंज है पूरी इस लाइन में, ठीक है, इस सरफेस पे पूरे रॉड्स एंड कोन्स आर अरेंज टुगेदर। फिर क्या हो रहा है, विजुअल लाइट इधर आई, तो मैंने पहले ही बोला कि जो हमारे रॉड्स एंड कोन हैं उनके पास क्या है, खुद का फोटो पिगमेंट है ना। तो हो क्या रहा है, ये विजुअल लाइट जब हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स पे फॉल करती है, When the visual light falls on the photoreceptor cells, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो फोटो पिगमेंट है ना, ये टूटते हैं, इनकी क्या होती है, फोटो पिगमेंट ब्लीचिंग, ठीक है, फोटो पिगमेंट आर डिसोशिएटिंग। तो हो क्या रहा है, जो फोटो पिगमेंट है वो डिसोशिएट होगा रेटिनॉल, एल्डिहाइड और ऑप्सिन में, ठीक है, ऑप्सिन में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इससे हमारे जो फोटोरिसेप्टर सेल की लेयर है उसकी परमिएबिलिटी चेंज हो रही है, ठीक है। अब परमिएबिलिटी चेंज होगी तो होता क्या है, ऑब्वियस बात है, जो लाइट है इट इज़ नॉट कैरिड टू द ब्रेन, फर्स्ट उसे हमें स्टिमुलाई को चेंज करना पड़ेगा, है ना, एक्टिवेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व करके, ठीक है। तो हो क्या रहा है, हमारे यहाँ परमिएबिलिटी ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन ऑफ सेल चल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ सेल, कौन से सेल, हमारे फोटोरिसेप्टर सेल की हाइपर पोलराइजेशन ऑफ सेल चल रहा है। अब हाइपर पोलराइजेशन ऑफ सेल चल रहा है यानी कि सोडियम पोटेशियम चैनल चल रहा है यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम चैनल, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, सोडियम चैनल क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, सोडियम चैनल गेट्स ब्लॉक्ड। पढ़ा था ये हमने इम्पल्स में अपने, है ना, स्टिमुलाई कैसे जाता है न्यूरॉन में। अब हमने बोला कि ये तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, अब व्हेन द दिस पार्ट इज कंप्लीटेड, यानी हमारी जो फोटोरिसेप्टर लेयर है वहाँ पे काम खत्म हुआ, तो अब उसी से लगी हुई कौन सी, हमारी बाइपोलर न्यूक्लियर वाली लेयर है ना। तो बाइपोलर बाइपोलर न्यूरॉन जो है वहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्टिमुलस पहुँच गया, ठीक है, क्या पहुंच गया, हमारा स्टीमलेस पहुंच गया, स्टीमलेस कहाँ पहुंचा, बाइपोलर न्यूरॉन। अब ऑब्वियस बात है, बाइपोलर न्यूरॉन के नीचे हमारी कौन सी गैंग्लियन लेयर है ना, तो अब क्या होगा, गैंग्लियन ही हमारे क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व का एक्टिवेशन, क्या हो गया, ऑप्टिक नर्व का एक्टिवेशन। व्हेन दिस कंप्लीट्स, तो क्या होगा, ये हमारी जो ऑप्टिक नर्व जब एक्टिवेट होगी, सिंपल बात है, जब ऑप्टिक नर्व इनका हमारी एक्टिवेट होगी तो ये क्या करेगी, इम्पल्स को हमारे ब्रेन में लेके जाएगी, और कहाँ लेके जाएगी, उस एरिया में जो कि विजन के लिए स्पेसिफिक है, वो कहाँ है, हमारे ऑक्सीपिटल लोब में, जिसको हम विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं। पढ़ा था हमने जब ब्रेन के फंक्शंस पढ़े थे, ब्रेन के पार्ट्स पढ़े थे, तब मैंने लोब्स पढ़ाए थे ब्रेन के, ऑक्सीपिटल लोब ये सब। तो मैंने बोला कि जो इम्पल्स है वो कहाँ आएगी, हमारे ऑक्सीपिटल लोब में, और यही हमारे मैकेनिज्म ऑफ विजन है, इसी से हमें दिखाई देता है, ठीक है। ब्रेन के पास गया तो ब्रेन को समझ में आएगा उसने क्या देखा, ठीक है। तो दिस कॉजेज द
विजन मैकेनिज्म। तो अपन ने बोला कि देखो जो मिड ब्रेन में जाती है ना, जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक कायज़मा फॉर्म करती है, क्या करते हैं, ऑप्टिक कायज़मा फॉर्म करती है, ठीक है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, उसको ऑप्टिक कायज़मा बोलते हैं। इसीलिए जो ह्यूमंस का है वो क्या है, बाइनोक्युलर विजन। तो इसका अगर हमसे कोई रीज़न पूछे कि वाई ह्यूमंस है बाइनोक्युलर विजन, तो ह्यूमंस हैव बाइनोक्युलर विजन। सबसे पहली चीज़ बाइनोक्युलर विजन है हमारा। और ये क्यों है, क्योंकि हमारी जो ऑप्टिक कायज़मा फॉर्म होता है कहाँ पे, हमारे मिड ब्रेन में। तो क्यों हुआ ये, ड्यू टू ऑप्टिक कायज़मा और ये कहाँ होगा, मिड ब्रेन में, ठीक है। सो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ विजन पूरा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी आई अकोमोडेट कैसे करती है, या फिर दूर और पास का कैसे एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि डार्क या डिम लाइट में हम कैसे देखते हैं, ठीक है, चलो वो देखते हैं। ये समझ में आया, तो हो क्या रहा है, विजुअल लाइट आई हमारे फोटोरिसेप्टर सेल्स पे, तो फोटोसेप्टर सेल का क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग हुई, यानी उसका डिसोसिएशन हो रहा है एल्डिहाइड रेटिनॉल एल्डिहाइड में और ऑफसिन, या यही पता है ना हमें, रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है इसका डिसोसिएशन। अब क्या हो रहा है, परमेबिलिटी ऑफ फोटोसेप्टर सेल चेंज होगी, ऑब्वियस बात है, वहाँ पे क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा, ठीक है। फिर वो उसी के नीचे जो लेयर है जिसको हमने बोला बाइपोलर न्यूक्लियाई या बाइपोलर न्यूरॉन, ये क्या होंगे, स्टीमुलाई को स्टीमुलेट होंगे, है ना, स्टीमुलाई को आगे ट्रांसफ़र करेंगे। फिर वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे गैंग्लियन में, ठीक है। गैंग्लियन इज नथिंग बट दैट फॉर्म्स द ऑप्टिक नर्व, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व का एक्टिवेशन, और जैसे ही ये हुआ तो हमारे ब्रेन में ये जाएगा क्या, इम्पल्स, ठीक है, कि तो ये इम्पल्स जाएगा हमारे ऑक्सीपिटल लोब में और कहाँ जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स में, ओके। सो दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ विजन। अब हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट कैसे होता है हमारा डिम लाइट में, ठीक है, डिम लाइट में, चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा आयरिस है, क्या है हमारा आयरिस है, उसमें कुछ मसल्स हैं जिसको हम बोलते हैं इरिडियल मसल्स, क्या बोलते हैं, इरिडियल मसल्स, आयरिस, समझ में आया, जो लेंस को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब आयरिस जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ कॉर्निया है और ये एक मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। तो हमने बोला आयरिस में क्या है, मसल्स हैं कौन सी, इरिडियल मसल्स, क्या बोला, इरिडियल मसल्स। तो बेसिकली क्या है, कुछ कुछ इरिडियल मसल्स जो हैं वो क्या हैं, सर्कुलर, ठीक है, और कुछ कुछ इरिडियल मसल हैं जो क्या हैं, रेडियल, ठीक है।
तो बेसिकली दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इरिडियल मसल्स, यानी कि जो आयरिस में जो मसल्स है ना वो, ठीक है. कुछ कुछ हैं जो सर्कुलर हैं, ये हमने बोला दीज मसल्स. दिस इज सर्क्यूलर इरिडियल मसल, और ये जो है इनको हमने बोला रेडियल रेडियल मसल. आयरिस की है ना, तो इरिडियल मसल्स. अब हो क्या रहा है, जो सर्कुलर इरिडियल मसल है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ब्राइट लाइट में, और क्या कराती है, प्यूपल का कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ब्राइट लाइट में, एकदम से लाइट आई तो क्या होगा, इरिडियल मसल एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. ठीक है, क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इरिडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो इसका लिख लेते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्कुलर इरिडियल मसल, तो दे कॉन्ट्रैक्ट इन ब्राइट लाइट, कॉन्ट्रैक्ट इन ब्राइट लाइट. And causes pupil contraction. Causes pupil contraction. अब ये जो हमारा pupil है ना, यही amount of light को मतलब वो करता है, allow करता है. तो जैसे एकदम से light आएगी तो हमारा pupil क्या है, contract होगा. कैसे होगा, due to circular iridial muscles. सर्कुलर इरिडियल मसल्स जो होते हैं वो पीपल को क्या कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, क्योंकि वो खुद कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये सर्कुलर है, ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा पीपल का साइज़ क्या है, छोटा हो जाएगा. इसी को हम बोलेंगे पीपल कॉन्ट्रैक्शन. इसी को हम क्या बोलेंगे, पीपल कॉन्ट्रैक्शन. ऑब्वियस बात है, जब ये सब क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो पीपल का साइज़ क्या होगा, दिस साइज़, ये क्या होगा, कम हो जाएगा. और ऑब्वियस बात है, ये हमारा एक डायफ्राम है. ठीक है, ये डायफ्राम है, इसी से लाइट अंदर आ रही है हमारे लेंस के, तो ये क्या होगा, इसके कॉन्ट्रैक्शन से हमारी आँखों में या हमारे लेंस में कम लाइट एंटर होगी, है ना, क्योंकि व्हेन द लाइट इज़ टू ब्राइट. ठीक है, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी सर्कुलर इरिडियल मसल की. अब रेडियल का काम क्या है, ये क्या करेंगे, खींचेंगे. तो जब डिम लाइट होगी तो प्यूपिल को क्या करना पड़ेगा, हमें मतलब अपने आप नेचुरली वो क्या कर होगा, प्यूपिल हमारा डायलेट होगा. वो कैसे होगा, ड्यू टू रेडियल इरिडियल मसल. तो क्या बोला हमने, रेडियल इरिडियल मसल जो है ये क्या कराएंगी, दे कॉन्ट्रैक्ट इन डिम लाइट. क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इन डिम लाइट, कॉन्ट्रैक्ट इन डिम लाइट. And causes pupil dilation. क्या कराएंगे, pupil का dilation. Causes pupil ठीक है, तो pupil को dilate कौन करा रही है, radial iridial muscles. और pupil को contract कौन करा रही है हमारी, सर्क्यूलर इरिडियल मसल्स. ठीक है, तो समझ में आया, दिस इज अबाउट एडजस्टमेंट इन डार्क एंड डिम लाइट. तो जब हमारे पास में डार्क लाइट होगी, अगर हम कोई ऐसे स्पेस में या ऐसे रूम में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे लाइट बहुत कम है या डार्क है वहाँ पे, तो क्या होगा, हमारी जो रेडियल इरिडियल मसल्स हैं या रेडियल इरिडियल मसल्स किस में, आयरिस की जो मसल्स हैं वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इन डिम लाइट, है ना, और वहाँ से हमें क्या होगा, प्यूपिल हमारा डायलेट हो जाएगा, और इट विल प्रोवाइड मोर लाइट फॉर आर विजन, है ना, और वही वाला प्रोसेस पूरा हो जाएगा. तो अमाउंट ऑफ लाइट जो है जब ज़्यादा एंटर होगा तो हमें
हमारे जो फोटो पिगमेंट्स हैं, हमारे जो फोटो पिगमेंट्स हैं उनकी ज़्यादा ब्लीचिंग होगी, या हमारे रॉड्स एंड ड्रॉट्स जो हैं वो हमें किस चीज़ में हेल्प करेंगे, स्कोटोपिक विजन में या नाइट विजन में। आया समझ में? सो दिस इज अबाउट द एडजस्टमेंट इन डार्क एंड डिम लाइट। तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं जब हमें पास या दूर का विजन चाहिए तब क्या होता है। ठीक है, उस समय पे जो हमारे सीलियरी मसल्स होते हैं, क्या होते हैं? सीलियरी मसल्स। तो इसका समझ में आया, इरिडियल मसल का क्या काम हो गया। अब आएंगे हमारे दूसरे टाइप के मसल जिनको हमने बोला सीलियरी मसल। सीलियरी मसल्स क्या हैं? जो हमारे लेंस को होल्ड करके रखे हैं। हमने देखा था ना, ये जैसे हमारा लेंस है, दिस इज आर आई लेंस, ठीक है। तो इसको जो होल्ड कर रहे हैं जो मसल्स, इसको जो मसल फाइबर्स या मसल्स होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारा ये हैंग्ड है, हमारा आई लेंस इस पे ही हैंग्ड है, मतलब हैंग कर रहा है हमारा आई लेंस, है ना, किस पे? सीलियरी मसल्स पे। तो ये सीलियरी मसल्स जो है तो मैंने बोला हमारी जो सीलियरी मसल्स हैं इन पे ही, इनके ही मसल फाइबर्स की वजह से हमारा जो लेंस है वो हैंग कर रहा है ना आई में। तो हमने बोला इनके कॉन्ट्रैक्शन से, इनके कॉन्ट्रैक्शन से ही एडजस्टमेंट होगा, है ना। जब ये लेंस फ्लैट हो जाएगा तो हमें ज़्यादा दूर का दिखाई देगा, ऑब्वियस बात है। ये क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में व्हेन इट इज़ फ्लैट, जब लेंस फ्लैट होगा तो जैसे बहुत दूर से लाइट आ रही है तो इट विल हेल्प टू कन्वर्ज ऑन द रेटिना, ठीक है, रेटिना पे कन्वर्ज होने की अपन को वो करेगा। तो अपन ने बोला कि जब ये है, जब ये क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे तब हम ये हेल्प करेंगे। अभी समझते हैं। और ये जो लिगामेंट्स हैं इनको हमने बोला सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये जो हेल्प कर रहे हैं, ये सीलियरी मसल्स हैं। और इसके क्या हैं? लिगामेंट्स। यहाँ से हमने इनको क्या बोला? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, तो हो क्या रहा है? नियर विजन के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा? सबसे पहले लेंस जो है वो कर्व चाहिए रहेगा। कर्व चाहिए, ऑब्वियस बात है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अगर फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है हमारा जो लेंस है वो जल्दी, मतलब थोड़ी देर बाद ही क्या करेगा, उसको कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इट विल हेल्प इन फार विजन। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला एडजस्टमेंट टू नियर एंड फार विजन। पहले फार विजन की बात करते हैं। तो मैंने बोला फॉर फार विजन जो सीलियरी मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स ये क्या करेंगे? सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन। ऑब्वियस बात है, सीलियरी मसल्स ने सस्पेंसरी लिगामेंट को होल्ड कर रखा, जैसे ये है, मैंने इस चौक को होल्ड कर रखा है। ठीक है, अभी मैंने अगर इसको सस्पेंसरी लिगामेंट जो है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियस बात है हमारे जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो रिलैक्स पोजिशन में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? रिलैक्सेशन। ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट,
सस्पेंसरी लिगामेंट ही हमारे लेंस को होल्ड करे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, लेंस जो है फ्लैट हो जाएगा, फ्लैटन्स। ये है इसका कर्वेचर, क्या होगा, ये फ्लैट हो गया है ना, तो इट विल हेल्प इन कन्वर्जिंग लाइट मोर, ठीक है। तो लेंस गेट फ्लैटन्स, तो क्या होगा, फार विजन। देखिए वो कह रहा है इधर दूर, बहुत दूर कोई लाइट, दूर से लाइट आ रही है, और हमारा जो लेंस है, समझिए ये इसकी फोकल लेंथ जो है, यदि ज़्यादा है, क्या है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो है अगर कम है तो क्या होगा, वो जल्दी उसको कन्वर्ज करेगी, है ना। तो हमारा जो विजन है वो फार का इतना ईजिली नहीं हो पाएगा, तो होना क्या चाहिए, हमें इसमें फोकल लेंथ क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो अगर लेंस फ्लैट होगा तो अल्टीमेटली हमारी जो फोकल लेंथ है इट विल इंक्रीज, ओके, लेंस गेट फ्लैट, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेस, तो हमें क्या होगा, दूर का विजन प्रॉपर होगा, ठीक है। इसमें ही हमने क्या बोला, इट विल हेल्प अस इन फार विजन। तो ये समझ में आया, सबसे पहले इफ़ द लाइट्स आर ट्रैवलिंग फॉर फ्रॉम वेरी फार, इनको अगर हमें कन्वर्ज करना है तो द लेंस नीड्स टू बी हैविंग मोर फोकल लेंथ, और वो मोर फोकल लेंथ तब होगी जब लेंस की जो थिकनेस है वो कम होगी, यानी लेंस इज फ्लैट, तो ये फिनोमिना हमें हो देखने मिलेगा, ये मैकेनिज्म होगा। तो सीलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्सेशन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, लेंस क्या होगा, फ्लैट होगा, यानी कि जो हमारी फोकल लेंथ है वो इंक्रीज होगी, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, है ना, एंड इट विल हेल्प इन फार विजन, फार विजन। अब ये हुआ हमारा फार विजन की बात, अगर हम नियर विजन की बात करते हैं, अगर हमें कोई पास की चीज़ देखनी है तो क्या होना चाहिए, हमारी फोकल लेंथ को कम, ठीक है, फोकल लेंथ को कम होना चाहिए। तो हो क्या रहा है इधर पे, लेंस जो है वो होना चाहिए फ्लैट, नहीं होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, लेंस नीड्स टू बी कर्व, तो लेंस नीड्स टू बी कर्व फॉर नियर विजन। अब हो क्या रहा है, इससे क्या होगा, जब ये कर्व्ड होगा तो हमारी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दैट इज प्लेस्ड इन आर आई, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिक्रीजेस, और दिस विल हेल्प अस इन नियर विजन, क्लियर। सो दिस इज अबाउट नियर विजन एंड फार विजन, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ विजन है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नॉर्मल विजन जो है वो क्यों होता है, तो सबसे पहला पॉइंट है जो हमारे फोटोपिगमेंट्स हैं, फोटोपिगमेंट सेल लेयर्स है, जब वो एक्टिवेट होगी वो क्या होगी, हाइपरपोलराइज हो जाएगी, तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन लेयर है जिसको हमने बोला बायपोलर न्यूरॉन लेयर, उसको क्या करेगी, वो एक्टिवेट करेगी, और फिर फर्दर जो न्यूरॉन से लगी हुई लेयर है जिसको हमने बोला गैंग्लियोनिक लेयर, जो कि क्या आगे बढ़ाती है, बनाती है हमारा ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व का एक्टिवेशन कराएंगे, और स्टिमुलाई क्या होगा, ऑप्टिक नर्व से हमारे ब्रेन में जाएगा, तो जब ब्रेन में सिग्नल, मतलब जो स्टिमुलस है वो जाएगा कहाँ पे, ऑक्सीपिटल लोब में, कहाँ जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब के विजुअल कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो दैट इज़ द होल मैकेनिज्म ऑफ विजन, ठीक है। अब मैंने सेकंड बोला कि अगर नियर और फार विजन है, नियर और फार विजन है जो हमने अभी देखा, तो उसमें क्या होगा, उसमें कौन से लिगामेंट्स हेल्प कर रहे हैं, कौन सी मसल हेल्प कर रही है, तो हमारी आई के अंदर जो सीलियरी मसल्स है और सस्पेंसरी लिगामेंट हैं, ये दोनों किस चीज़ के मैकेनिज्म में हेल्प कर रहे हैं, नियर और फार विजन के। तो हो क्या रहा है, जब ये
जब ये लेंस का कर्वेचर डिसाइड करते हैं कौन, हमारे सीलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट। मैंने बोला जब फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज मोर तो हमारा जो लेंस है दैट गेट्स फ्लैटन और इट विल हेल्प अस इन फार विजन। वो कैसे होगा, जो हमारी सीलियरी मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, तो हमारा जो लेंस है क्या होगा, लेंस है इट विल डेफिनेटली जो लेंस है वो स्ट्रेच हो जाएगा, है ना। तो जब और फिर क्या होगा, ये इट विल गेट फ्लैटन। तो जब फ्लैट हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है उसकी क्या होगी, फोकल लेंथ विल इंक्रीज, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस बात है इट विल हेल्प अस इन फार विजन, या दूर की चीज़ें हमें देखने में हेल्प करेगी। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे नियर विजन की, तो उसमें क्या हो रहा है, हम अब जैसे इसमें फ्लैट विजन, फ्लैट लेंस चाहिए था हमें, इसमें क्या है, कर्व्ड लेंस चाहिए। ओके, तो कर्व्ड लेंस जो है वो कैसे होगा, तो सिंपल बात है, सेम सीलियरी मसल जो है हमारी और सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो स्ट्रेच कर जाएंगे, तो इट विल हेल्प इन द फोकल लेंथ जो है वो हमारी फोकल लेंथ डिक्रीजेज, फोकल लेंथ क्या होगी वो डिक्रीज हो जाएगी एंड इट विल फर्दर हेल्प इन नियर विजन। ओके, दिस वॉज अबाउट नियर विजन एंड फार विजन। थर्ड चीज़ थी कि हम अंधेरे में कैसे देख पाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इरीडियल मसल्स होती हैं, एक होती है रेडियल इरीडियल मसल और दूसरी होती है सर्कुलर इरीडियल मसल। ठीक है, इरीडियल मतलब आयरिस की, आयरीडियल भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो जो इरीडियल मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से, है ना, उनके कॉन्ट्रैक्शन से हमें क्या मिल रहा है, जो हमारा प्यूपिल है उसका साइज छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, वो प्यूपिल जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या डायलेट हो रहा है, तो उसको भी हमने देख लिया। तो दिस वॉज अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। अब हम अपनी अगली क्लास में, छोटा सा टॉपिक रहेगा डिसऑर्डर्स ऑफ आई, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, कई लोगों को स्पेक्स लग जाते हैं, किसी को पास के दिखने में दिक्कत होती है, किसी को दूर का नहीं दिखता, तो उसके बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।